पूरे विश्व में प्रसिद्ध करते हैं, ऐसी पावन धरती का स्पर्श हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। कुछ ही मिनट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबके बीच में आपके अभिवादन को स्वीकार करेंगे, आप सबके स्नेह को प्राप्त करेंगे। आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से चलकर अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आपकी आभारी है, रमेश चंद बिंद आपके आभारी हैं, ये पूरा मंच आपका आभारी है। आप सबकी ताकत से ही आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक बार फिर से आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी फिर से मोदी सरकार का निर्माण करने जा रही है। मोदी सरकार के निर्माण में जो एक श्रृंखला का निर्माण हो, उसमें भदोही और फूलपुर का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपके सहयोग और आशीर्वाद से फूलपुर और भदोही की जीत बहुत ऐतिहासिक होगी। इन दोनों प्रत्याशियों को आपने जिस तरह से अपना मार्गदर्शन, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आपके इस प्यार, आपके इस आशीर्वाद का संबल प्राप्त करके देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। आज हम दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम कुछ ही वर्षों में दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में अपने देश को कामयाब करें। आज देश की सैन्य शक्ति, आज देश की विदेश नीति, चारों तरफ जिसका डंका बज रहा है, मुझे मालूम है कि आप सब अपने लाडले प्रधानमंत्री जी की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हमारे पंडाल में खड़े कुछ साथियों को प्रधानमंत्री जी दूर से नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मंच की ओर चल पड़े हैं और कुछ ही क्षणों में आपके बीच होंगे। ये आप सबका स्नेह, आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मंच पर बैठे हुए हमारे सभी नेताओं को प्रोत्साहित कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 12 मई को होने वाले मतदान में आप सब लोग एक नया इतिहास रचेंगे। 75% से अधिक मतदान कर भदोही और फूलपुर के मतदाता इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था प्रकट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मतदान इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को और इस देश के नेतृत्व करने वाली व्यवस्था को संबल प्रदान करती है। आप सबसे अनुरोध है कि 12 मई को प्रातः 7 बजे ही आप सब लोग अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाकर आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, मोदी जी के सबल नेतृत्व में, मोदी जी के सौर्यपूर्ण नेतृत्व में ये देश